अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू टेस्टेड एंड ट्राइड चैनल। इससे पहले मैंने अपनी पिछली वीडियो में बकराईद के मौके पर घर के फर्श से खून और चारे की बदबू दूर करने के लिए टेस्टेड एंड ट्राइड रेमेडी शेयर की थी। अगर आपने अभी तक वो हमारी वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आ रहे आई बटन को क्लिक करके इस वीडियो को देखकर फायदा हासिल करें। आज की रेमेडी भी बकराईद के हवाले से है। बहुत सारे लोगों को इस बात से मसला आ रहा होता है कि बकरा ईद के गोश्त से पकने के बाद भी एक खास किस्म की स्मेल आ रही होती है, या फिर गोश्त का रंग पकने के बाद बहुत ज्यादा काला हो जाता है, जो कि खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। यही वजह है कि बच्चों के साथ साथ बड़े भी इस गोश्त को खाना नहीं चाहते। इसके अलावा जो दूसरा मसला सबसे ज्यादा आ रहा होता है वो ये है कि गोश्त खाने के दौरान बारीक बारीक हड्डियों के छोटे छोटे टुकड़े मुंह में आ रहे होते हैं, जिससे खाने का सारा मजा किरकिरा हो जाता है। इस वजह से भी लोग बकरा ईद के गोश्त को खाने से अवॉइड करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको इन दोनों मसाइल को बहुत आसानी से हल करने का तरीका बताऊंगी। मगर इससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल टेस्टेड एंड ट्राइड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि अभी बकरा ईद के हवाले से और इसके अलावा भी बहुत सारी कारआमद टेस्टेड एंड ट्राइड रेमेडीज की वीडियोस आने वाली हैं। तो चले हम आज के टॉपिक पर बात करते हैं कि कैसे बकरा ईद के गोश्त की स्मेल को दूर करके उसे ऐसा खुशबूदार बनाया जाए कि पकने के बाद उसकी खुशबू सारे घर में ही नहीं बल्कि हमसायों के घर भी जाए, और पकने के बाद गोश्त का रंग भी काला ना हो बल्कि बेहतरीन सा रेड कलर हो, जैसा कि हम आम दिनों में घर में भुने गोश्त का बनाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले, जब आपके पास बकरा ईद के दिन गोश्त किचन में आए तो उसे साफ पानी से धोकर किसी बास्केट में डालकर 5 मिनट के लिए रख दें। उसके बाद किसी एक खुली पतीली में पानी डालकर चूल्हे पे गर्म होने के लिए रख दें। जैसे ही पानी के अंदर बुलबुले बनने लग जाएं तो उस वक्त आपके पास जो गोश्त है आप उसको उठाकर गर्म पानी के अंदर डाल दें और उसको किसी स्पाइडर के साथ या चम्मच के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर दें ताकि गोश्त गर्म पानी के अंदर डूब जाए। 2 से 3 मिनट इंतजार करें, यहाँ तक कि पानी के ऊपर झाग आ जाए और उसमें हल्का सा उबाल आने लग जाए। जैसे ही हल्का सा उबाल आए, डेगची को उठाकर सिंक में रखी बास्केट में डालकर गोश्त उल्टा दें, या स्पाइडर के साथ आप इस तरह से सारा गोश्त निकालकर किसी बर्तन में डाल लें। उसके बाद इस गोश्त को साफ और खुले पानी से धो लें ताकि इस गोश्त पर जितनी भी झाग लगी हुई है वो सारी दूर हो जाए। आप देख सकते हैं कि पानी उबलने के बाद और गोश्त निकालने के बाद इसके अंदर जितना भी मैल कुचैल था गोश्त का वो सारा पानी के अंदर आ गया है और आपका गोश्त धुलने के बाद बिल्कुल साफ सुथरा हो गया है। इसका एक फायदा ये हुआ कि इस गोश्त में से जितना भी एक्सेस ब्लड था वो सारा निकल गया है, जो कि बकरा ईद के गोश्त के अंदर खास स्मेल की वजह है। दूसरे इसका फायदा ये हुआ कि गर्म पानी के अंदर गोश्त को एक उबाल देने के बाद जितनी भी गोश्त के साथ छोटी छोटी बारीक हड्डियां लगी हुई थी वो सारी इस पतीली के अंदर पानी के अंदर आ गई हैं। आम तौर पर बकरा ईद के दिन अनाड़ी कसाई जब गोश्त काटते हैं तो बहुत ज्यादा हड्डी को तोड़ते हैं, और बार बार गोश्त को काटने से गोश्त की हड्डी उसके अंदर बहुत ज्यादा टूट जाती है, जो के बाद में खाना पकने के बाद जब खाते हैं तो मुंह में छोटी छोटी हड्डियां आती हैं, जो कि खाने में बहुत ही ज्यादा तकलीफ का बाइस बनती हैं। इस तरह से पानी के अंदर गोश्त डालने से हमारे दोनों मसाइल हल हो गए हैं। पहली बात ये कि गोश्त के अंदर से जितनी स्मेल थी और एक्सेस ब्लड था वो निकल गया है, और दूसरे जितनी भी छोटी छोटी हड्डियां थी वो सारी की सारी पानी के अंदर आ गई हैं। अब हम इस गोश्त को साफ पानी से धोकर इसको किसी बास्केट में रख देंगे, और इसके बाद अब ये आपका गोश्त तैयार है। अब आप अपनी जरूरत के मुताबिक जो भी रेसिपी बनाना चाहते हैं इस गोश्त के साथ आप बना सकते हैं। अगर आप बकरा ईद के हवाले से बेहतरीन और परफेक्ट रेसिपीज देखना चाहते हैं तो YouTube पर हमारे दूसरे चैनल फूड परफेक्शन पर विजिट करें और बेहतरीन गोश्त की रेसिपीज हासिल करें। उम्मीद है आज के ये कामयाब और टेस्टेड एंड ट्राइड टिप्स आपको बहुत ज्यादा फायदा देंगे। ये तरीका आप न सिर्फ बकरा ईद के गोश्त के साथ कर सकते हैं बल्कि आप जब भी घर में गोश्त बनाएं तो इसी तरह से गर्म पानी के अंदर डालकर उसको पहले साफ करके फिर उसके बाद आप उसकी कुकिंग स्टार्ट किया करें, तो कभी भी आपके खाने में किसी भी किस्म की कोई स्मेल नहीं आएगी और आपका खाना बेहतरीन और खुशबूदार बनेगा।
आज की वीडियो के लिए इतना ही। एक और नई टेस्टेड एंड ट्राइड रेमेडी की आने तक के लिए अल्लाह हाफिज।